परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर श्रद्धा ने आफताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहना पसंद किया, लेकिन अंत में क्या हुआ जो हर हिंदू लड़की का होता आया है, 35 टुकड़ों में बट गई। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें हमारी बहनों और बेटियों को हमारे धर्म की शिक्षा देनी होगी, उन्हें आफताब जैसे दरिंदों से सतर्क रहने की शिक्षा देनी होगी, नहीं तो ऐसे ही लाशें मिलती रहेंगी, ऐसे ही हमारी लड़कियां टुकड़ों में बटती रहेंगी। ये वही लड़कियां हैं जो 2-4 किताबें ज्यादा पढ़कर, 2 क्लास ज्यादा पढ़कर खुद को इतना मॉडर्न समझने लगती है कि उनके लिए उनके माँ बाप का प्यार, उनके भाई बहन का प्यार, उनकी धर्म, उनकी संस्कृति कुछ मायने नहीं रखता। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, उन सभी लड़कियों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपको आपके माँ बाप से ज्यादा और प्यार कोई नहीं कर पाएगा। माँ बाप सबकी जगह ले सकते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए अपने माँ बाप को इस प्रकार छोड़कर ना जाए। और मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी हमें ये लव जिहाद रोकना ही होगा। इसके लिए हमें कड़े से कड़े कानून बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही हमारे देश में आए दिन लड़कियों की लाशें मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।